हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पल्लवी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नूडल्स की रेसिपी। यस, अगेन एक चाइनीज़ डिश मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। इससे पहले मैंने जो ड्राई चिली पनीर की रेसिपी डाली थी, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ। आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बहुत ईजिली बन के तैयार हो जाएगी, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ भी बनेगी। आप इसे आराम से घर पे बना सकते हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। नूडल्स की डिमांड हमेशा रहती है घर में बच्चों के लिए, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें घर पे और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे ईजिली हम घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। बॉईल करना, यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो नूडल्स जब हम बॉईल कर लें उसके बाद जब हम उसे छान कर रखेंगे तो वो एक दूसरे से चिपके नहीं। अब हम इस पर क्या करेंगे, जो हमारे नूडल्स हैं वो हम इसे डाल देंगे। पानी जब बॉयल होने लगे उसके बाद ही आप नूडल्स को डालें, क्योंकि नूडल्स को बॉयल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट में बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉयल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं तो ख़राब लगते हैं नूडल्स, तो इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा नूडल्स को आप बॉयल ना करें। धीरे धीरे सारे नूडल्स को आप डाल दें और इसे स्पून की हेल्प से आप धीरे धीरे अंदर कर दें, क्योंकि इसके स्टिक्स लंबी होती हैं तो एक साथ ये ऐसे एक साथ नहीं जाएगा। धीरे धीरे जैसे ये बॉयल होगा ये अपने आप ईज़िली अंदर चला जाएगा। स्पून की हेल्प से आप इसको पानी के अंदर डाल दें और इसको थोड़ा सा चलाते हुए हम बॉईल करेंगे। 5 मिनट के बाद ये नूडल्स अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। थोड़ा सा आप एक नूडल्स निकाल के चेक कर लें और ये देखिए बॉईल हो गया। इसको हम बंद कर देंगे। कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दी है, उसमें 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद 2 हरी मिर्च पीसेस स्लाइस करके हम डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च जब थोड़ी सी चटकने लगेगी तो उसमें हम 1 रफली चॉप्ड अनियन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चला लें और 2 से 3 मिनट के लिए बस सॉटे कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। जो कटी हुई शिमला मिर्च हमने ली है, मैंने उसे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, उसे हम डाल देंगे और उसको थोड़ा सा हम चला देंगे, क्योंकि सब्ज़ियों को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसलिए बस आप इसे हल्का हल्का चलाते हुए मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गाजर। यहाँ पर मैंने 3 छोटी गाजर ली थी, उसको मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है और उसे भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे कटे हुए पत्ता गोभी या बंद गोभी आप जिसे कह लें, उसे भी मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये यहाँ पर तकरीबन 1 बाउल पत्ता गोभी है जिसे मैंने डाल दिया है इसमें, और इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप किया है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब्जियों को किसी एक पर्टिकुलर शेप में कट करना है, आपको जैसे भी पसंद है आप उस हिसाब से कट कर लें। इसमें हम डाल देंगे नमक। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि सब्ज़ियाँ जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ, और इन सबको मिला लें अच्छी तरह से और हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे ताकि बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सब्जियों को लो फ्लेम पे हम पकाएंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। सारी सब्जियों को 5 मिनट तक हमने पकने दिया है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए सब्जियां पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब जो हमने नूडल्स को साइड करके रखा था, इसको हमने ठंडे पानी से धुल के रख दिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से हम चला लेंगे ताकि सारी सब्ज़ियाँ और नूडल्स एक साथ मिक्स हो जाएँ। नूडल्स मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारे सॉस। सबसे पहले इसमें जाएगा सोया सॉस, जो कि यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है। सोया सॉस से नूडल्स में कलर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है नूडल्स में। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सिरका यानी कि विनेगर, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चिली सॉस। और
और इसके बाद इसमें जाएगा एक चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस आप ऊपर से भी बाद में खाते वक्त डाल सकते हैं, इनकेस अगर आपको ज़्यादा पसंद है या आपको ज़्यादा चाहिए हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इसी वक्त भी आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दो स्पैचुला लिए हैं, उसकी हेल्प से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक से थोड़ा चलाने में दिक्कत होती है, तो आप भी इस तरह इसको मिक्स कर लें। एक मिनट तक सॉस को हम मिक्स करेंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये नूडल्स बनके तैयार हैं। इसको आप ड्राई चिली पनीर, मंचूरियन या फिर ऐसे ही सॉस के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।